नमस्कार, इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बेस वर्ड या प्राइमरी वर्ड जिसको हम कहते हैं फेस, चेहरा, इसको लेकर देखते हैं कि पूरी डिक्शनरी में कितने वर्ड्स बने। तो फेस सबसे पहले देखेंगे, फेस, फेशियल, फेसलेस, फेसलिफ्ट, फैकेट, फैसेट, डिफेस, डिफेस्ड, डिफेसमेंट, इफेस, इफेसेबल, इफेसमेंट, इंटरफेस, इंटरफेशियल, प्रेफेस। ये देखिए, ये प्री और फेस है, प्रेफेस, प्रोनंसिएशन है प्रेफेस, पर ये प्री और फेस से मिलकर बना है। प्रीफेशियल, प्रीफेटरी, सरफेस, देखिए जमीन का सरफेस होता है, ऊपर का फेस होता है, सर का मतलब ऊपर, फेस, और यूनिफेस है। आइए इनके मीनिंग देखते हैं विस्तार से। तो आइए इन वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले है फेस, फोरहेड से लेकर चिन तक, जिसको हम चेहरा कहते हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड फ्रॉम फोरहेड टू चिन, फेस, चेहरा। द मेन साइड ऑफ समथिंग, है ना, हम कहते हैं दिस इज द फेस ऑफ, है कोई भी बिल्डिंग का फेस है, यानी कि मेन पार्ट जो है सामने का हिस्सा। फेशियल, ऑफ और पर्टेनिंग टू फेस, फेस से, चेहरे से संबंधित कोई भी चीज। और फेशियल क्या है, अ ब्यूटी ट्रीटमेंट ऑफ द फेस, फेशियल कराते हैं कई बार आप देखेंगे तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और फेशियल करा के आते हैं, तो वो अ ब्यूटी ट्रीटमेंट ऑफ द फेस, फेस का फेशियल। फेसलेस, विदाउट फेस, जिसका फेस नहीं है, यानी कि करैक्टर नहीं है या जिसका चरित्र नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, उसको कहेंगे फेसलेस। और फेस लिफ्ट, फेस लिफ्ट क्या है, सर्जरी कराना, प्लास्टिक सर्जरी कराना अपनी फेस की अपीयरेंस को, लुक को अच्छा करने के लिए। टू गेट प्लास्टिक सर्जरी डन टू इम्प्रूव वंस फेशियल अपीयरेंस, या आजकल एक और फेस लिफ्ट का मीनिंग चला हुआ है, हम कहते हैं इस कार का फेस लिफ्ट वर्जन आएगा अगले महीने, यानी कि उस कार के अंदर कुछ एक्सेसरीज जोड़ी जाएंगी उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए कह लीजिए आप इसको। टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ समथिंग बाई एडिंग फीचर्स, उसमें कुछ नए फीचर्स डाल देंगे, उसमें एक्सेसरीज डाल देंगे, तो उसको कहते हैं फेस लिफ्ट मॉडल। अगला वर्ड है हमारा फैकेट, ये भी देखिए फेस है, इसमें से ई हटा दिया गया है और ए डी ई जो है हमारा एक नाउन सफिक्स है। तो फैकेट, द फ्रंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग और ऑफ एनीथिंग, अगला हिस्सा किसी भी चीज का, बिल्डिंग का फेस जिसको हम कहते हैं, हम कहेंगे फैकेट। एन आउटवर्ड अपीयरेंस, आउटवर्ड मतलब बाहरी, अपीयरेंस का मतलब लुक, एन आउटवर्ड अपीयरेंस। फैसेट, ये भी देखिए फेस से बना है, ये फेस और ईटी हमारा एक सफिक्स है, उससे मिलके बना है, जब दोनों को जोड़ा गया तो यहां से ई हटा दिया गया। तो एनी ऑफ द मेन मैनी फ्लैट साइड्स ऑफ ए ज्वेल, जो हमारा ज्वेल होता है, ठीक है, उसकी फ्लैट साइड, जो बहुत सारी जो फ्लैट साइड होती है उनमें से कोई, है ना, एनी ऑफ द, एन एस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम और सिचुएशन, एस्पेक्ट कहते हैं लुक ऑफ ए प्रॉब्लम और सिचुएशन, किसी सिचुएशन का या प्रॉब्लम का बाहरी, बाहर से कैसी नजर आती है, हमें कैसे नजर आता है, कैसे हम उससे डील करते हैं, तो दैट इज फैसेट। डिफेस,
डी ई का मतलब अवे फेस, ठीक। टू मार द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, किसी का फेस बिगाड़ देना, ठीक, तो उसको कहते हैं डिफेस कर दे। कई बार आपने देखा होगा दीवार के ऊपर किसी ने इलेक्शन में अपना नाम लिखा, उसको डिफेस कर दिया, यानी कि उसका जो भी कुछ लिखा हुआ था या बना हुआ था उसको मिटा दिया या उसके ऊपर कालिख पोत दी, तो डिसफिगर करना। और डिफेस्ड पास्ट टेंस है, स्पॉइल्ड खराब किया गया। डिफेसमेंट डिसफिगरमेंट है ना, द एक्ट ऑफ डिफेसिंग। अगला वर्ड है हमारा इफेस। ई एफ जो है एक एक्स का वेरिएंट है जिसका मतलब बाहर, और फेस, तो इफेस का मतलब टू वाइप आउट, मिटा देना, टू डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना किसी चीज को, ठीक। इफेस, इफेसेबल, दैट कैन बी इफेस्ड, जिसको वाइप आउट किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके, डिस्ट्रक्टिबल। इफेसमेंट, द एक्ट ऑफ इफेसिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इफेस्ड। तो इफेस का इफेसमेंट हमारा नाउन है। इंटरफेस, इंटर का मतलब बिटवीन, अमंग, तो इंटरफेस क्या है, वो जगह जो दो बॉडीज या स्पेसिस के बीच की जो जगह है वो सरफेस, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। अ सरफेस रिगार्डेड एज द कॉमन बाउंड्री, जो बाउंड्री मानी जाती है दो जगहों के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। सो अ सरफेस रिगार्डेड एज द कॉमन बाउंड्री ऑफ टू बॉडीज और स्पेसेस, ठीक। इंटरफेशियल, अ मीटिंग पॉइंट, मिलने वाला पॉइंट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, दो चीजों के या ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, दैट इज इंटरफेशियल, आपस में सामने, फेस टू फेस यू कैन से इंटरफेशियल। अगला वर्ड है हमारा प्रेफेस। थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा है, प्री बिफोर फेस, दिस इज प्रेफेस। सो समथिंग सेट बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन, किसी चीज को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं तो उसको कहते हैं प्रेफेस। और आपने देखा होगा प्रेफेस जो है ऑलमोस्ट हर बुक के अंदर दिया जाता है, अ स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन गिवन इन ए बुक एट द बिगनिंग, शुरुआत में प्रेफेस में दिया जाता है कि इस बुक के कंटेंट्स क्या हैं, क्यों ये बुक बनाई गई है और किन लोगों के लिए बनाई गई है और ये कैसे फायदेमंद है। प्रीफेशियल ऑफ और रिलेटिंग टू प्रेफेस है। प्रीफेटरी, प्रीफेटरी का मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक। यहां पर इन्होंने टी इसलिए लगाया कि अगर हम इसको प्रीफेसरी लिखते तो बड़ा अजीब सा लगता, ठीक। सो दिस इज प्रीफेटरी, इंट्रोडक्शन। सरफेस, सर्स का मतलब अबव, ओवर एंड अबव द अपर लेयर, जो ऊपर की जो लेयर होती है या फेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की जो ऊपर की लेयर है या फेस है उसको हम कहते हैं सरफेस। और यूनिफेस, यूनि का मतलब वन, तो वो डिजाइन जो एक तरफ अपीयर होता है और या एक फेस, हैविंग वन फेस, अ डिजाइन विच अपीयर्स ओनली ऑन वन साइड, दैट इज कॉल्ड यूनिफेस। तो ये कुछ वर्ड्स थे फेस से रिलेटेड, इन सभी वर्ड्स को मैंने इस बुक इंग्लिश वर्ल्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स में दिया है। आप इस बुक को फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पहले से जानकारी हो सके। थैंक यू।